गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एम आई ऑडिबल टू ऑल गुड इवनिंग एवरीबॉडी गुड इवनिंग एवरीबॉडी एम आई ऑडिबल टू ऑल लेट्स स्टार्ट द क्लास देन द्लास आज हमारी लास्ट क्लास है इस फास्ट ट्रैक कोर्स की काफी अच्छा लगा आप लोग के साथ पार्ट नहीं था सोटे वी वु टॉकिंग ओनली अबाउट दॉयोरेशन इन डिटेल जिसमें इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर्स हैं वेरी स्मॉल टॉपिक इज देयर इन योर गेट सिलेबस और कुछ ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूं आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है सॉयल एक्सप्लोरेशन में और क्या क्या आपको पढ़ लेना चाहिए तो इनफैक्ट ये चैप्टर मैं कभी कवर करता ही नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती बिकॉज इट इज अ वेरी सिंपल चैप्टर ओनली थियोरिटिकल इन नेचर बट इसमें से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फॉलो करनी है वो मैं आपको बताता हूँ

तो एक्सप्लोरेशन वी ऑलरेडी नो इज अ पार्ट ऑफ साइट इन्वेस्टिगेशन तो कभी भी हम कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं तो उससे पहले जो भी हमारे साइट है उसको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है वेदर इट इज फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पज और नॉट कोई भी आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करो पहले साइट पे जाके साइट को एक्सप्लोर करना जरूरी है टू एनालाइज दूटेबिलिटी ऑफ द साइट फॉर द प्रपोज कंस्ट्रक्शन क्लियर है एक्सप्लोरेशन इज एन अटेम्प्ट सब सरफेस एंड रॉक प्रोफाइल सो हम लोग एक्सप्लोरेशन से क्या क्या करते हैं वी कैन अंडरस्टैंड वॉट इज दॉय प्रोफाइल बीनीथ द ग्राउंड देन वॉट आर द जियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द रीजन तो हमें जब हम सॉइल एक्सप्लोरेशन करने जाएंगे तो मुझे बहुत सारे जियोलॉजिकल फीचर्स का भी पता लग जाएगा कि भाई वहाँ पे वॉटर टेबल कहाँ पर एक्सेट्रा या फिर माउंटेन है कि नहीं एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारे टाइप के जोलॉजिकल फीचर्स मुझे पता लग जाएंगे आसपास का स्ट्रक्चर क्या है ये भी समझ में आ जाएगा देन वी शुड नो वॉट इज द पोजिशन ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल और वो कितना वेरी करता है थ्रू आउट द ईयर दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सॉयल एक्सप्लोरेशन देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज और द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड रॉक डेटा आर अवेलेबल कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है वहाँ पे वो भी देखना जरूरी होता है

हम लोग एक बार ये कवर कर लेते फिर हर टाइप की स्ट्रेटेजी जो आप पूछेंगे ना मैं सब बता दूंगा एक बार बेटा पहले इसको मुझे कवर कर लेने दो जो आज का पार्ट है है थोड़ी देर लगेगी आधे घंटे की क्लास है। उसके बाद जस्ट हम यही सब आसपास की बातें करेंगे बट प्लीज लिसन टू मी केयरफुली ना सो सॉइल एक्सप्लोरेशन का मेन पर्पज क्या है भाई पहले तो पता लगाना है कि फाउंडेशन का टाइप कौन सा यूज करोगे शेलो और डीप वो सॉइल टाइप पे डिपेंड करेगा तो एक्सप्लोरेशन के बाद ही पता लगेगा फिर जो सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करोगे वहां से आप जो है सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हो या पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हो दैट विल बी डन ओनली आफ्टर सॉइल एक्सप्लोरेशन अल्टीमेटली इट इट इज इज द द दैट अल्टीमेट सपोर्ट फॉर स्ट्रक्चर तो ये तो आपको पता ही था कि भाई सॉइल ही अल्टीमेटली स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगी तो इसीलिए सॉइल को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है इतना लोड आप लगाने वाले हैं स्ट्रक्चर पे ये देखना तो जरूरी है कि वो लोड बर्दाश्त कर पाएगी कि नहीं देखिए अगर बिना एक्सप्लोरेशन के बिल्डिंग बनाएंगे तो इस टाइप का फेलियर हो सकता है वी इतना बड़ा टावर बना दिया जिससे टावर क्या है एक तरफ झुक रहा है तो इसीलिए अगर आपको सेफ स्ट्रक्चर बनाने हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए वी शुड गो विद द सॉइल एक्सप्लोरेशन Now, what are the methods of soil exploration? First one is a preliminary investigation in which it consists of geological study of the site and site reconnaissance. So, just ja ke hum site ka uh, survey karke aa jate hain. It's kind of survey, preliminary survey done at the site. कि भाई कितने बोरोल बनाने एक्सेट्रा सब जो है इस preliminary exploration से समझ में आएगा फिर एक बार जब आप प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन कराते प्लानिंग कराते उसके बाद फिर आप वापस जाएंगे साइट पे टू डू द डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इट फॉलोज द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड इट इज नॉर्मली कैरिड आउट टू डिटरमाइन द नेचर सीक्वेंस, थिकनेस ऑफ वेरियसॉयल जितना भी जुगाड़ या जितना भी डिटेल चाहिए हमें सॉइल के बारे में वाटर टेबल पोजिशन के बारे में एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब सॉइल इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी चाहिए इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल सैंपलिंग जो भी चाहिए सब कुछ डिटेल इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट होता है नाउ बोरिंग बोरिंग्स एंड डिटेल्ड आर टू अंडरटेक दिस इंफॉर्मेशन तो ये जो सॉयल का जो मुझे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी चाहिए या सॉइल सैंपल्स चाहिए उसके लिए दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ सॉइल सैंपलिंग एज वेल एज बोरिंग्स नाउ हम डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन को बेटा हम पढ़ने वाले हैं लेटस कंटिन्यू एट सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग बोरिंग अब देखो बोरिंग चार टाइप के होते देर आर डिफरेंग का मतलब समझते हैं ना बोरिंग मींस टू डिग अ इनसाइड द साइड दॉल में एक बड़ा सा गड्ढा बनाना उसी को बोलते बोरिंग अब देखो सॉइल में बोरहोल बनाने के चार तरीके फर्स्ट वन इज ऑगर बोरिंग

और जब आप इसको बाहर खींचेंगे तो ये जो एंट्रेप्ड सोइल है इसके स्पाइरल में वो निकल के बाहर आएगी बस ऐसे बार-बार इसको ड्रिल करिए ग्राउंड में और बाहर निकालिए ड्रिल करिए बाहर निकालिए इस तरीके से आप बोर होल बना लेंगे एक बात बताइए जब आप ऑगर के थ्रू ये ऑगर्स के थ्रू जब सोइल बाहर आएगी विल इट बी डिस्टर्बड और अनडिस्टर्ब टेल मी फास्ट प्लीज ऑगर्स के थ्रू जो बाहर आती है सोइल It will be or से। क्या यहां पर आपको मिल सकता है यूज करते हैं इट इज प्रेफर्ड फॉर स्मॉल डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन फॉर एग्जाम्पल शेलो फाउंडेशन हाईवे एंड बोरोस इन सब जगह आप यूज कर सकते हैं जनरली हम लोग क्लेज के लिए यूज करते हैं या सॉफ्ट सॉल्स के लिए यूज करते हैं इट इज प्रैक्टिकली इट इज डन इन पार्शियली सैचुरेटेड सैंड सिल्ट एंड मीडियम टू स्टिफ क्लेज रॉक्स वगैरह में आप इसको यूज नहीं करेंगे क्लियर है बाकी दो टाइप के बोर बो ऑगर्स होते हैं एक हैंड ऑपरेटेड ऑगर्स होते हैं और एक

नाउ नेक्स्ट मेथड क्या है वॉश बोरिंग वॉश बोरिंग में क्या करते हैं ना भाई इस तरीके से हम एक केसिंग को इंसर्ट करते हैं ग्राउंड में यू कैन सी वी हैव अ केसिंग विद कटिंग एच और फिर क्या है ना पानी का जेट फ्लो कराते रहते हैं तो क्या होगा वाटर जेट के साथ सॉयल बाहर आते रहेगी और ये केसिंग जो है धीरे धीरे अपने डेड के, वेट के साथ नीचे जाते रहेगा दिस इज अ वॉश बोरिंग अगेन देखो बेटा यहाँ पे तो और खराब सैंपल आएगा इट विल बी अ डिस्टर्ब सैंपल इन नेचर तो जहां पर आप ऑगर्स नहीं चला पा रहे वहां पर आप वॉश बोरिंग कैन बी कन्ियंटली इवन बिलो वॉटल इन प्रैक्टिकली ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल एक्सेप्ट हार्ड सॉइल्स और रॉक हार्ड सॉइल्स और रॉक के लिए यूज नहीं करेंगे क्लियर है सो दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ ड्राइविंग अ केसिंग पाइप यूजुअली थ्रू अ हैवी ड्रॉप हैमर सपोर्टेड ऑन अ ट्राइपोड एंड पुली Water is forced under pressure through a hollow drill rod, which may be rotated or moved up and down inside the casing pipe. The lower end of the drill rod, fitted with a sharp cutting edge or chopping bit, cuts the soil. The soil thus cut gets mixed with water and floats up through the annular space between the casing pipe and the drill rod. The slurry flowing out provides. इंडिकेशन ऑफ द सॉइल टाइप बट अगेन दैट इज अ डिस्टर्ब काइंड ऑफ सैंपल क्लियर है द चेंज इन द स्टेटा कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम द रेट ऑफ प्रोग्रेस एंडलरी फ्लोइंग थ्रू आपने पहले को अंदर ड्रिल किया फिर वॉटर जेट के थ्रू जो भी सॉयल था उसको ऊपर फ्लो कराना स्टार्ट कर दिया क्लियर है सिंपल सा मेथड है दिस इज वॉश बोरिंग सिमिलरली वी है सो रोटरिंग बोर ओरिंग में वी हैव अ ड्रिल बिट्स लाइक दिस तो इसमें वाटर का यूज नहीं कर रहे डायरेक्टली आप जो है ड्रिल बिट्स के थ्रू जो है थ्रूल को कट करते हुए नीचे जाएंगे एंड यू विल मेक अ बोर होल लाइक दिस अगर सॉफ्ट सॉइल्स हैं तो आपको बोर होल को स्टेबलाइज करने के लिए केसिंग वगैरह यूज करना पड़ सकता है अगर रॉक्स वगैरह है जिसमें आप ड्रिलिंग कर रहे हैं तो वहां पर आपको जो है कोई के, केसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी टू स्टेबलाइज द बोर होल्स तो रोटरी बोरिंग विल गिव मी अगेन डिस्टर्ब सैंपल्स ओनली बट इट कैन बी यूज फॉर रॉक्स ऑल्सो क्लियर है सो रोटरी बोरिंग और रोटरी ड्रिलिंग और मड रोटरी ड्रिलिंग इज इज इफ द रेजिस्टिंग टू ऑगरिंग और वॉश बोरिंग तो जिन सॉइल में आप ऑगर या वॉश बोरिंग यूज नहीं कर सकते वहां पर आप रोटरी बोरिंग यूज कर सकते हैं बाकी सब कुछ लिखा हुआ एक बार मन करे तो पढ़ लीजिएगा लास्ट वन इज द परक्यूशन बोरिंग बोरिंग बाय परक्यूशन ड्रिलिंग इज कैरिड आउट बाय ब्रेकिंग अप द फॉर्मेशन बाय रिपीटेड दमेशन बाई रिपीटेडी बिट और अ इन साइड द केसिंग पाइप तो इन साइड द केसिंग पाइप वी हैव हैवी चीजल उसको बस ऊपर खींचना और ड्रॉप करना है जब ऐसा करोगे तो सॉल टूटेगी टूट के बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी क्लियर विद द हेल्प ऑफ अ बेलर ये देखो फिर जब आप बहुत सारा सॉइल यहाँ तोड़ दोगे फिर इस बेलर को इंसर्ट करोगे इस बेलर के हेल्प से जो है आप सॉइल के सैंपल्स को कलेक्ट करोगे वहां से क्लियर है सो दिस इज ऑल्सो सुटेबल फॉर ड्रिलिंग होल्स इन बोल्ड्री एंड ग्रेवली सॉइल तो जनरली बोल्ड्री एंड ग्रेवली सॉइल्स में हम ड्रिलिंग का यूज करते हैं तो so, ये इतना अगर आपको पता होना तो इट इज मोर देन इनफ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉइल सैंपल्स सॉइल सैंपल्स दो टाइप के हो सकते हैं वी कैन हैव द डिस्टर्ब सैंपल और वी कैन हैव द सैंपल सैंपल अब देखिए भी दो टाइप के होते हैं वन इज द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल एंड सेकंड वन इज द नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का मतलब क्या है हालांकि सैंपल डिस्टर्ब है बट उसका मिनरोलॉजिकल कॉम्पोजिशन उसका जो सॉइल कंटेंट

मिनरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज तो रहेगी बट सॉइल का स्ट्रक्चर भी अनडिस्टर्ब्ड है तो जितने भी मेजर सॉइल की प्रॉपर्टीज है डेट विल बी प्रोडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस अनडिस्टर्ब सॉइल अनडिस्टर्ब सैंपल ओनली सो टू डिटरमाइन परमिबिलिटी शेयर स्ट्रेंथ compressibility characteristic that is to study the consolidation of soil undisturbed sample would be used and

हमारे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस हो जाते तो इट विल गिव मी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्लियर है सो थिक सैंपल सैंपलर्स आर बीइंग यूज्ड फॉर ऑप्टेनिंग डिस्टर्ब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल वेयर द थिन वर्ल्ड सैंपलर्स आर यूज फॉर ऑप्टेनिंग अनडिस्टर्ब सैंपल देखिए परफेक्टली एक्सक्यूज मी एक सेकेंड शायद वीडियो चला गया था ना ओके नाउ इट्स देर वीडियो आ गया ना वापस हाँ इट्स विजिबल नाउ तो मैं क्या बोल रहा था कि थिक वॉल्ड सैंपलर्स आर बीइंग यूज फॉर ऑप्टेनिंग डिस्टर्ब बट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल वेर एज थिन वॉल्ड सैंपल्स आर यूज्ड फॉर ऑप्टेनिंग अनडिस्टर्ब सैंपल क्लियर है देखिए परफेक्टली अनडिस्टर्ब सैंपल तो कुछ होता नहीं है कभी भी आप सैंपलिंग करने जाओगे सॉइल की कुछ ना कुछ छोटा मोटा डिस्टर्बेंस होगा बट थिन वॉल्ड के केस में हमारा डिस्टर्बेंस कम से कम होता है क्लियर है So, इतना आपको पता होना चाहिए तो तो देखिए आपको मन करे तो पढ़ लेना इसके बारे में। में में कभी इससे क्वेश्चन नहीं पूछते। gate में क्या पूछते क्या मैं बताता हूं आपको बट आपको मन करे तो ओपन ड्राइव सैंपलर पिस्टन सैंपलर रोटरी सैंपलर के बारे में पढ़ सकते मैंने यहां दिखा रखा है बट जरूरत नहीं है पढ़ने की फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू

एंड सी तो ये कटिंग एज से पहले सैंपल कटता है वो sampling tube में जाएगा। और नॉन रिटर्निंग वॉल्व से हम इसको फिर यहाँ पे नॉन रिटर्निंग वॉल्व कुछ होती है जिससे हम इसको बाहर जाने से रोकेंगे क्लियर है मेरी बात अब देखिये इसमें ना कुछ कॉम्पोनेंट निकालने पड़ते हैं डिजाइन ऑफ सैम्पलर में देखिये ये सब तो आपको समझ में आ ही रहा है D1, D2, D3 डी वन डी टू डी थ्री क्या है डी वन इज द इन साइड डायमी आप देख सकते हैं इस डायग्राम को मैं यहां पर भी आता हूं बस यही पार्ट इंपॉर्टेंट था जिसमें गेट में काफी बार क्वेश्चंस आए ये पार्ट आप कर लेते हैं तो इट इज मोर देन इनफ बोर्ड पे ध्यान देंगे सभी सो डी वन इज वॉट डी वन इज द इन साइड डायमीटर ऑफ द कटिंग एज डी टू इज द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द कटिंग एज वे डी थ्री इज द इन साइड डायमीटर थ्री यहीं तक होगा डी थ्री इज द इन साइड डायमीटर ऑफ द ट्यूब एंड डी फोर इज द इन साइड ऑफ़ द सैम्पलिंग ट्यूब तो यही है मेरी बात सो दिस इज माई डी वन डी टू डी थ्री एंड डी फोर अब देखो इसको यूज करते हुए कुछ टर्म्स डिफाइंड है सबसे पहला टर्म देख रहे हैं दैट इज द डिजाइन पैरामीटर फॉर इनसाइड क्लियरेंस सो इनसाइड क्लियरेंस क्या है कैसे डिफाइन किया गया इन साइड अब ये सारे जो है ना इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है प्लीज सी इनसाइड साइड क्लियरेंस जो है ना ट्यूब के रेस्पेक्ट में तो कैसे डिफाइन किया गया इज इज अपॉन इनसाइड इनसाइड डायमीटर डायमीटर ऑफ ऑफ द ट्यूब माइनस कटिंग एज डिवाइडेड जितना ज्यादा इनसाइड साइड क्लियरेंस होगा इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द सॉल सैंपलर एंड सैम्पलिंग ट्यूब

अगर मैं इसको लगभग सेम डायमीटर का ही रख दूंगा ना तब बेटा सैंपलिंग ट्यूब में सॉयल को जाने में फ्रिक्शन ज्यादा फेस करना पड़ेगा क्लियर है हाइड्रोलॉजी नहीं पढ़ाया बेटा वहां केवल मैंने ना दैट वाज माय चैनल ओनली अभी भी वो मेरा चैनल है बट वो ऑपरेशनल नहीं है बट वहां पर केवल मैंने ओसीएफ पढ़ाया है ओनली ओसीएफ

ताकि ट्यूब आराम से जो है सॉइल के अंदर चली जाए बिकॉज दिस क्लियरेंस एक्चुअली ट्यूब क्लियर है सो इसकी भी लिमिट दे रखी है कोड ने इसकी लिमिट शुड बी बिटवीन जीरो सीओ शुड ऑलवेज बी लेस देन सी आई ठीक है फिर लास्ट वन इज द एरिया रेशियो ऑफ द सैंपलर एरिया रेशियो जितना कम होगा उतना बढ़िया है उतना मेरा सैंपल अनडिस्टर्बड होता है एरिया रेशियो देखो कैसे डिफाइंड है दैट इज d2 minus d1 d2 स्क्वायर d1 स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर 100% एरिया रेशियो बताता है कि मेरा कटिंग तीथ कितना शार्प है जितना शार्प होगा कटिंग तीथ उसका मतलब क्या है मेरा सैंपल उतना ही अनडिस्टर्बड होता है

एक रिकवरी रेशियो ये भी आपको पता होना चाहिए रिकवरी रेशियो क्या है एल बाय एच एल इज द द द द द द लेंथ 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 ऑफ 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 एंड एंड इज 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 सैंपल दें सो अगर एल आर वन है मतलब जितना हाइट था सैंपलर का उतना ही हाइट है मेरा सैंपल का मीन्स इट इज अ गुड रिकवरी अगर एल आर ग्रेटर मतलब लेंथ ऑफ सैंपल इज मोर मीन्स सैंपल इज स्वेल्ट एंड एल आर अगर लेस देन वन श्रंक क्लियर है ये रिकवरी रेशियो इसका भी डेफिनेशन याद रखिएगा कुछ एक क्वेश्चन है उसको देख लीजिए बस बाकी ख़त्म है चैप्टर जल्दी से बेटा इसका आंसर बता दो आप इसी में बता दो जल्दी से मैं वो खोल दूँ क्या एरिया रेशियो इन परसेंटेज बताना आप मैं जल्दी से पोल्स ऑन कर देता हूँ गिव मी अ मोमेंट मैं पोल ऑन कर देता हूँ एरिया रेशियो आपको पता ही था सब कुछ देखो आपको रिवाइज करवा दिया मैंने अच्छे से गिव मी अ मोमेंट एक बार मुझे पोल खोल लेने दो यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान देंगे प्लीज अरे यार ये क्या हुआ ओके okay. मेरे को नियरेस्ट इंटीजर में आंसर दीजिएगा रिपोर्ट योर आंसर इन परसेंटेज रिपोर्ट योर आंसर इन परसेंटेज हा एरिया रेशियो इन परसेंटेज पहले इनसाइड क्लियरेंस बता दो चलो इनसाइड आपको सीआई बताना है सी नॉट बताना है एरिया रेशियो बताना है क्लियर तीनों को ना परसेंटेज में बता देना रिपोर्ट ऑल आंसर इन परसेंटेज। तो सबसे पहले आप एक काम करो ना सबसे पहले मुझे सीआई बताओ इनसाइड साइड क्लियरेंस तो केवल इनसाइड क्लियरेंस का आंसर लिखना सबसे पहले जल्दी जल्दी इसको एक ही क्वेश्चन के थ्रू खत्म कर देंगे बस हम डी वन डी टू डी थ्री डी फोर आपको पता ही है क्या होता है ये सब गिवन है हमें इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर ऑफ द कटिंग एज इज गिवन टू मी डी वन की वैल्यू कितनी है डी वन इज हाउ मच दैट इज 150 फिफ्टी आउटसाइड डायमीटर इज हाउ मच 165 सिक्सटी देन इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर डी थ्री भी गिवन है डी थ्री कितना है मेरा डी इज वन फिफ्टी and d4 is how much 160 so jaldi jaldi beta aap jo hai inside clearance outside clearance batao mujhe make it fast please so the inside clearance kya hoga d3 minus d1 by d1 this is my inside clearance kitna aa raha hai wo So inside clearance मुझे पता है कैसे निकालते हैं ये देखो अभी दिखाया था आपको इनसाइड clearance. इन साइड क्लियरेंस हमने देखा था ना सी आई क्या होता है थ्री थ्री माइनस माइनस डी 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 वन 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 हंड्रेड परसेंट कितना आ जाएगा इनसाइड साइड क्लियरेंस कितना आ रहा है डी थ्री इज वन फिफ्टी फाइव माइनस डी वन इज फिफ्टी वन फिफ्टी फाइव माइनस वन फिफ्टी अपॉन वन फिफ्टी इंटू हंड्रेड परसेंट नियर इंटीजियर बता देते हैं। कितना थ्री परसेंट थ्री लिखना ना बेटा आंसर शुड बी थ्री चलो ऐसे ही बता दो हटाओ जमीला पोल वोल का फटाफट ऐसे ही कर लेते थ्री टेन बाई थ्री परसेंट या थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट है ना वैसे ही आउटसाइड क्लियरेंस निकाल लोगे वो क्या होगा आउटसाइड क्लियरेंस इज़ आउटसाइड क्लियरेंस क्या होगा डी टू माइनस डी फोर बाई डी फोर यही होता है वही आउटसाइड क्लियरेंस यही है डी टू माइनस डी फोर बाई डी फोर जैसे यहां पे जो कम वाला है वही डिनोमिनेटर में जाएगा d1 वन यहाँ डी वन यहाँ डी फोर डी फोर क्लियर है सो डी टू कितना है मेरा 165 d4 है सिक्सटी तो 165 माइनस वन सिक्सटी अपॉन वन सिक्सटी टू हंड्रेड ये कितना आ गया बताओ जरा आउटसाइड क्लियरेंस भी बता दो जल्दी जल्दी आउटसाइड क्लियरेंस हम भी बता देते हैं आंसर डेट इज थ्री पॉइंट वन टू फाइव परसेंट यही आ रहा है लगभग थ्री परसेंट ही आ गया ये भी और लास्ट में एरिया रेशियो बता देंगे एरिया रेशियो क्या होगा वो कटिंग एज होता है एरिया रेशियो ऑलवेज ऑफ द कटिंग अपॉन डी वन स्क्वायर माइनस डी वन स्क्वायर अपॉन डी वन स्क्वायर। इन टू हंड्रेड परसेंट तो डी टू कितना है मेरा वन सिक्सटी फाइव स्क्वायर माइनस वन फिफ्टी स्क्वायर आउटसाइड क्लियरेंस काफी ज्यादा है अनएक्सेप्टेबल है ये इसका आउटसाइड काफी ज्यादा है नॉट सुबल परसेंट आ गया क्या अगेन देखो एरिया रेशियो भी काफी ज्यादा है अनसुटेबल ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए था और आउटसाइड क्लियरेंस जो है हमारा टू परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए था तो इट इज नॉट अ गुड सैंपलर क्लियर है इस तरीके से सारे टर्म्स निकाल देते सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है ये कर लेंगे ना एग्जाम में इस ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लेंगे ना एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का आपके एग्जाम में आया है जितनी बार आया सिंपल सा क्वेश्चन था बस नेक्स्ट देख लो एक रिकवरी रेशियो का जल्दी से बता दो व्हाट इज द रिकवरी रेशियो ऑफ द सैंपल जल्दी बताओ रिकवरी रेशियो क्या होता है एल आर इज इक्वल टू वॉट दैट इज एल बाई सैंपल कितना आ रहा है रिकवरी रेशियो जल्दी बताओ एक रिकवरी रेशियो जो आपसे काफी बार पूछ लेते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए पॉइंट एट सेवन फाइव

किस तरीके से एसपीडी टेस्ट करते हैं ये देख लिया था एस टेस्ट जैसा ही है टेस्ट, उसमें बस स्प्लिट स्पून सैंपलर की जगह ये कौन को आ जाता है क्लियर है फिर डायनेमिक कॉन टेस्ट भी होता है हमारा इसमें क्या है हमारा जो है स्किन फ्रिक्शन भी रिकॉर्ड होता रहता है डायनेमिक कॉन टेस्ट में स्किन फ्रिक्शन वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टेस्ट मन कर एक बार देख लीजिए बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर गेट क्लियर है तो दिस वाज ऑल अबाउट द सॉइल एक्सप्लोरेशन क्लियर है कोई डाउट है तो पूछ लेंगे प्लीज टेल मी फास्ट क्लियर है बेटा जो हमने निकाला था वो ग्रॉस रिकवरी रेशियो ही है अब ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे नॉट रिक्वायर्ड बहुत टाइप की रिकवरी रेशियो होता है टोटल रिकवरी रेशियो ट्रू रिकवरी रेशियो ग्रॉस रिकवरी रेशियो और भी दो टाइप के होते हैं मिस्टर बंटी बट नॉट रिक्वायर्ड ज्यादा डिटेल में जाओगे ना कंफ्यूज हो जाओगे एक ही टाइप के रिकवरी रेशियो पे सवाल आया डेट इज एल बाई एच डेट इट ठीक है मिस्टर बंटी और वैसे रिकवरी रेशियो आपके गेट के सिलेबस का पार्ट भी नहीं था वो तो बस मैंने बता दिया आपको बहुत पुराना कोई क्वेश्चन आया था अभी लेटेस्ट पार्ट में तो रिकवरी रेशियो भी नहीं है एनी तो सॉयल एक्सप्लोरेशन वी हैव सीन वी हैव सीन द बोर बोरिंग टेक्निक्स वी हैव सीन द सैम्पलर एंड देन एट लास्ट आई हैव अबाउट द पेनिट्रेशन टेस्ट टूडे तो इतना अगर आपको सॉयल एक्सप्लोरेशन के बारे में पता हो तो इट इज मोर देन इनफ और कोई डाउट है तो पूछ लो रेस्ट टू डेज क्लास इज ऑलमोस्ट ओवर आज की क्लास छोटी सी क्लास थी छोटा सा टॉपिक था that we had to finish. तो आपकी की क्लास खत्म हो गई फाउंडेशन इंजीनियरिंग well ये लेक्चर अगर आपने देखे हैं जो तो आपको समझ में आया होगा इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन एनालाइजिंग आपने कुछ मिस तो नहीं किया है क्लियर है कल का कोई अपडेट मेरे पास नहीं है बाकी आप यूट्यूब पे चेक करते रहिएगा जो है प्ला प्लानर हर क्लास का आते जाता है हमारे चैनल में तो देयर यू कैन सी द चैनल तो अनाउंसमेंट्स वहीं से मिलते रहेगी मेरे पास कोई अपडेट नहीं है पर आज की क्लास जो है हमारी जियोटेक की खत्म हो गई है सो तो कल इस टाइमिंग में आपकी अब जियोटेक की क्लास नहीं होगी हाँ सोम शायद कल से स्टार्ट होगा थर्टी फर्स्ट हाँ सोम स्टार्ट होगा यूट्यूब पे शॉर्ट आया होगा सर का सत्यजीत सर ले रहे होंगे चालू हो रहा है सर ने यूट्यूब पे अनाउंस भी किया आके तो आप देख लीजिएगा टाइमिंग उसमें बताया होगा और कोई दिक्कत होपफुली आपको सॉइल के फास्ट ट्रैक कोर्स में बहुत मजा आया होगा काफी सारे हमने क्वेश्चन किए और ऑलमोस्ट सारे ही कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको रिवाइज किए जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे तो अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं तो आई कैन गारंटी यू वुड बी स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स इन योर सॉइल मैकेनिक्स ओसीएफ अभी तो कोई प्लान नहीं है बेटा स्टार्ट करने का ठीक है ओसीएफ अभी कोई प्लान नहीं है स्टार्ट करने का बाकी देखते हैं बंटी और कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा स्टील अभी का काफ़ी लेट होगा पहले बाकी के सब्जेक्ट्स हो जाए उसके बाद स्टील में बढ़ेंगे हम स्टील विल टेक का टाइम डिसम्बर वगैरह में करेंगे स्टील हम अभी स्टील का टाइम नहीं आया सो डोंट वरी अबाउट स्टील नाउ तो सबसे वेटेज वाला टॉपिक था सॉइल हमने अच्छे से इसको कंप्लीट कर दिया जितने भी टॉपिक्स थे सॉइल के मैंने सारे कंप्लीट कर दिए आपके लिए सो अस प्रोसीड फर्दर बाय बाय टेक केयर एवरीबॉडी All the best for your exams.